गुड मॉर्निंग अहमदाबाद में पहली मॉर्निंग। दिल्ली से जब हम चले थे तो 3 नाइट हमने जयपुर में बिताई और आज चौथी नाइट है अहमदाबाद में। मतलब अहमदाबाद में फर्स्ट नाइट है, ट्रिप की चौथी मॉर्निंग, फोर्थ मॉर्निंग अहमदाबाद में। और यहाँ से जाएंगे वडोदरा आगे। और मैं आज यहाँ पे सोया था, हमको आज होस्ट किया है देवम भाई ने, मैं अभी मिलाऊंगा उनसे भी। ये देखो इस तरह का, ये आप बाहर ही सो रहा था मैं, ये जो आप देख रहे हो ये खाट लगी हुई थी आसमान के नीचे ऊपर। ये देखो ऊपर छत भी थी पर हमने यहाँ पे ये लगाया था, फैन लगा के यहीं पे सो रहा था मैं। एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, चलो शुरू करते हैं। ये देखो भाई, ये हमें मिला था जयपुर से, जयपुर से हमें ये गिम्बल गिफ्ट किया था अजहर भाई ने। और वो बहुत पहले से बोल रहे थे जयपुर से आके ले जाओ, इस बार हम जयपुर में गए थे तो हमको ये मिला था। और ये है आज के हमारे होस्ट देवम भाई, देवम भाई ने हमको आज यहाँ पे होस्ट किया है। सुबह सुबह पहले पिक करने आए, कहाँ पे पिक करने आए थे हम? एयरपोर्ट सर्कल पे पहले पिक करने आए, फिर खाना वाना हमने खाया, डिनर विनर किया, उसके बाद हम यहाँ पे आए सो गए। थोड़ा खोल के दिखाना इसको, थोड़ा रिसर्च किया आपने इसको कैसे चलाते हैं? हम भी अभी सीख ही रहे हैं इसको, हमने अभी वीडियो वगैरह देख रहे थे। तो जो बहुत सारे लोग जो मुझसे पूछते हैं कि भाई गोप्रो के बारे में ये वो, भाई हम भी देख के ही सीखते हैं यार वीडियो वगैरह, हम कौन सा हर चीज़ के माहिर हैं यार। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हम यूज़ करते हैं तो हम उस चीज़ के माहिर हैं या यूट्यूब के माहिर हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई किसी चीज़ का वो नहीं होता, सब देख देख के सीख रहे होते हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। ये देखो ये इस तरह का गिम्बल है। अब इसमें क्या क्या अपने पार्ट वार्ट कुछ देखा वगैरह, क्या क्या बोल रहा था? ट्राइपॉड ज्वाइन करने का, और ये भी एप्लीकेशन भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, ऐसा भी कुछ था? गिम्बल प्रो करनी है। गिम्बल प्रो, ओके। गिम्बल प्रो की कोई एप्लीकेशन सर्च करी अभी, ये पता लगा है हमें। और ये भी कुछ था कनेक्टिंग, ये ट्राइपॉड जैसा? ट्राइपॉड नीचे कनेक्ट करना है। ओके, ट्राइपॉड नीचे कनेक्ट होगा। ओके, ये बन गया भाई, देखो हमारा गिम्बल। और ये सी टाइप से ही चार्ज होता है, ये देखो ये जो यहाँ पे दे रखा है ये सी टाइप है। और जो एंड्रॉयड जैसे हमारा चार्ज होता है, खड़ा करके दिखाना इसको, जैसे हमारा एंड्रॉयड चार्ज होता है वैसे ही ये सी टाइप केबल से रिचार्ज हो जाता है, 2-2.5 घंटे में ये रिचार्ज हो जाता है। तो इस बार देखते हैं गोवा की शूटिंग बढ़िया आएगी भाई गोवा और मतलब जो भी हम कोस्टल रूट पूरा करने वाले। देखो इसके अंदर बहुत सारे बटन वगैरह दे रखे, एक बटन भी नहीं पता मुझे क्या काम किससे क्या होता है, सब कुछ अभी देख के सीखना पड़ेगा। और वीडियो वगैरह देखेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें सीखेंगे, अभी देखते हैं क्या इसका यूज़ होगा कि नहीं होगा। ट्राईपॉड का तो हो गई, बाकी एक गिम्बल है अब हमारे पास, गोप्रो के साथ गिम्बल भी हो गया, अब थोड़ा इजी हो जाएगा, मतलब मोबाइल को भी यूज़ कर सकते हैं फुटेज के लिए, अच्छी फुटेज आएगी इससे। देखेंगे कैसे ये यूज़ वगैरह होता है। आज कुछ करने वाले हम अहमदाबाद में? अहमदाबाद में लोकल टूर करने वाले हैं, लोकल घूमेंगे। ओके चलो देखते हैं, लोकल थोड़ा बहुत अहमदाबाद में घूमेंगे। और भाई के पास ना एक गाड़ी है, चलो गाड़ी दिखाते हैं हम आपको। भाई के पास एक गाड़ी है इलेक्ट्रिक, मैं भी मतलब देख के समझ कोई कह नहीं सकता ये इलेक्ट्रिक है या ऐसे। ये देखो कितनी स्टाइलिश, ये सुपर बाइक जैसी दिख रही है, क्या बोलते हैं, रिवोल्ट? हाँ, रिवोल्ट, ये रिवोल्ट करके बाइक है। और ये देखो ग्रीन नंबर प्लेट, इसका मतलब ये होती है कि ये इलेक्ट्रिक है, पूरी इलेक्ट्रिक। थोड़ा आने इधर, थोड़ा इसके बारे में बताओ, कितने में कितनी देर में रिचार्ज हो जाती है ये? 2-2.5 घंटे में रिचार्ज हो जाता है, 2-3 घंटे में पूरी रिचार्ज 100%। हाँ, हाँ, और 100% कर ली तो कितने किलोमीटर तक जा सकते हैं? 140 किलोमीटर चलती है। 140 चल जाएगी? Yes. अरे बाप रे। और अगर इसको जैसे कहीं पे रिचार्ज खत्म हो गया तो क्या करेंगे हम? वहाँ उन्होंने अभी तो स्टेशन लगवाना स्टार्ट किया है, स्टेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ओ, रिचार्जिंग स्टेशन। यस, अपने उनकी बैटरी अपनी बैटरी देके उनकी बैटरी ले लेने की तैयारी करने की। अच्छा। Yes. और अभी अगर वो जो नहीं है तो फिर अभी मेरे को जाना हो हाईवे पे कहीं पे, तो मैं अभी क्या कर सकता हूँ? चार्जर कैरी करके भी, चार्जर साथ ले जाना पड़ेगा। ओके। Okay. जैसे लैपटॉप का चार्जर होता है वैसे ही, चार्जर जैसा ही इसका चार्जर आता है। अच्छा, दिखाना इसका चार्जिंग पॉइंट कौन सा होता है? चार्जिंग पॉइंट अंदर है, अंदर होता है। ओके। ये देखो भाई, ये इलेक्ट्रिक बाइक है, पूरी मतलब फुल फ्लैट बाइक है, मतलब जो ये देखो ये चार्जिंग इसका पॉइंट है। और सॉकेट नॉर्मल सॉकेट में ही रिचार्ज हो जाएगी जैसे लैपटॉप होता है। अरे वाह, ये देखो यार 140 किलोमीटर चलेगी ये गाड़ी एक बार रिचार्ज करने पे, 100% करने पे। अरे वाह, ये सही है। कितने रुपए की ली थी आपने ये? 1,63,000। 1,60,000 रुपये की ये गाड़ी थी। और अभी ये कितना टाइम हो गया होगा इसको? 3 महीने। 3 महीना हो गया। Yes. ओके। ये देखो भाई काफ़ी अच्छी गाड़ी है,
तो अगर इसको आपको नाम वाम देखना और ये लेनी है तो देख लेना। कितना रुपया बताया था, मैं भूल गया, 1,60,000 की, मतलब नॉर्मल जो पेट्रोल और डीजल वाली होती हैं, पेट्रोल वाली जो होती हैं वही रेंज में है ये, और फ्री है भाई, इसका मतलब पेट्रोल का खर्चा नहीं लगेगा, पेट्रोल का बहुत बड़ा खर्चा होता है। चलो थोड़ा रेडी वेडी हो जाते हैं, आगे चलते हैं, हम भी खुद थोड़ा बहुत घूमते हैं। तो ये है भाई घर जिसमें हम रुके हुए हैं, और बड़ा बैग रख के छोटा बैग तैयार कर लिया। और हम कहाँ जा रहे हैं अभी? अभी तो हम वॉकिंग ब्रिज जा रहे हैं। ओके, पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद वॉकिंग ब्रिज जा रहे हैं हम। वॉकिंग ब्रिज नया बनाया है ना यहाँ पे, मोदी जी ने लास्ट मंथ ही, मतलब लास्ट मंथ तो इनॉग्रेशन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भाई नया ही बना है, तो वही घूमने जा रहे हैं अभी, देखते हैं कैसा है, मज़ा आएगा। हल्की धूप भी हो रही है अहमदाबाद में, फिर वडोदरा शायद कल निकल जाएंगे, क्योंकि 100 किलोमीटर ये पास में है। ये देखो इलेक्ट्रिक बाइक, ये देखो भाई ये जाने का रास्ता है, ये आने का रास्ता, और बीच में ये जो देख रहे हो ना, ये पूरा बस का लेन बना रखा है इन्होंने, ये ओडब का ये बस स्टॉप देख रहे हो, इस तरह से बस स्टॉप होते हैं अहमदाबाद में, और यहाँ पे आके बस रुकती है। यहाँ पे मेट्रो भी है वैसे तो शायद, पर ये देखो बस का ऐसे होता है, अलग कॉरिडोर कर रखा है। मेट्रो है यहाँ पे? हाँ है, मेट्रो भी है यहाँ पे। चलो भाई सुबह सुबह पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद दिन शुरू करेंगे। छोले भटूरे की शॉप पे लाए हैं भाई, छोले भटूरे ही खाने हैं, या आपका कोई और चॉइस है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये आया है भाई सुबह सुबह, हमने छोले भटूरे की लाए, तो ये बड़ा सा छोला भटूरा, ये छोले प्याज और मिर्च वगैरह कुछ यहाँ पे बैठ के खाते हैं, और चलते हैं घूम के आते हैं अहमदाबाद पे थोड़ा। चलो भाई ब्रेकफास्ट हो गया, अब चलते हैं कहीं पे थोड़ा घूमते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। ये देखो मुझे गुजराती थोड़ी बहुत पढ़नी आती है, लिखा है टिकट काउंटर नंबर 2, इसके आगे मेरी ख़त्म हो गई। अटल ब्रिज ये नहीं समाए, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। इतना ही पढ़ने में आता है। टिकट काउंटर नंबर 4, पता नहीं इसके नीचे क्या लिखा है, ये तो अटल लिखा है, अटल ब्रिज। यहाँ से टिकट ले रहे हैं हम और ब्रिज पे जाएंगे, आधे घंटे की एंट्री होती है बस वहाँ पे, नया बना है ये अभी। ये देखो 30 रुपये की एंट्री टिकट है, ये 30 रुपये की एंट्री टिकट आधे घंटे के लिए वैलिड है ना। ओके, ये देखो कितना ग्रैंड लग रहा है, ये कौन सी नदी है, साबरमती है ना, साबरमती। वैसे रिवर फ्रंट तो जैसे ये लोग हैंग आउट कर रहे हैं, इतना तो मतलब पहले भी था ना, मतलब फ्री में आगे भी, बस ये ब्रिज है बस अभी। ओके चलो एंट्री करते हैं ब्रिज पे। ये देखो भाई ये हो रही है हमारी एंट्री अटल ब्रिज पे। ओके, ये तो सिंपल वैसे ब्रिज ही लग रहा है, बस इसको थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाया गया। ओके, एज अ टूरिस्ट स्पॉट इसको डेवलप किया जा रहा है। Good morning, sun. How are you? Skies above. Gee, it's great to be alive and love. Good. एक साल बाद फिर से यहाँ पे अलग ही शांति है। एक गांधी आश्रम, ये साबरमती आश्रम है, और पूरा गार्डन गार्डन जैसा है, और शांति से रहती है यहाँ पे। तो ये पॉइंट सही है अगर आपको पीस पसंद है तो, और एक रिवर फ्रंट भी अच्छा है शाम के लिए, यहाँ पे बड़ा शांति से रहती है, मज़ा आता है। ये चरखे से बनाई गई है,
यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून सा है भाई इस गांधी आश्रम में। कभी आओगे ना तो ये अहमदाबाद आओगे तो यहाँ तो ज़रूर आओगे ही वैसे भी, पर मैं रेकमेंड भी करूँगा कि यहीं पे आओ एक बार। बहुत ही अलग सी खुशबू है यहाँ पे। और ये देखो चरखे वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, गांधी आश्रम में चरखे ऐसे होते थे, पुराने चरखे हैं वहाँ पे भी। ये लिखी हुई है आश्रम की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लिखी हुई है। और भाई आज बहुत सारे बच्चे आ रखे हैं। कौन से स्कूल से हो? स्कूल नेम, स्कूल का नाम क्या है? ओके ये देखो बहुत सारे ले इतना छोटा कैमरा, बहुत सारे स्कूल के बच्चे, बहुत मतलब ये तो एक वर्दी में दिखाई दे रहे हैं आपको, अंदर इतने सारे आए हैं ना, पर मज़ा आता है, अच्छा लगा मेरे को, हमको यहाँ पे दोनों को, इनको भी बहुत अच्छा लगा। ये वाला एक रेस्टोरेंट मिला है भाई सर्च करने पे, इस पे है गुजराती, काठियावाड़ी और पंजाबी। चलो खाना खाते हैं यार, दोपहर हो गया। वैसे उस कोने पे जा पाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमको होस्ट किया था एक राइट, नहीं कुछ नहीं जी, यहाँ पे हमको एक नाइट होस्ट किया था देवम भाई ने, थैंक यू भाई, कोई बात। और यहाँ पे एक्सप्रेस वे पे ला के छोड़ दिया। आज हमें जाना है वडोदरा, सुबह हम घूमे अहमदाबाद, अभी थोड़ी सी गर्मी हो रही है, मैं सोचा निकल ही जाता हूँ यहाँ से, आज का थोड़ा पूरा हो जाएगा। 100 किलोमीटर है यहाँ से, यस 100 किलोमीटर है। और यहाँ पे डायरेक्ट शटल भी चलती है अगर आपको वडोदरा जाना है तो, पिछली बार भी हम गए थे यहीं से ही और अभी भी पहुँच जाएंगे, थोड़ी सी गर्मी हो रही है यहाँ। थैंक यू देवम भाई, देवम भाई ने हमको कॉन्टैक्ट किया था इंस्टाग्राम से, और अगर आपको भी होस्ट करना है तो इंस्टाग्राम में आ जाओ। 100 किलोमीटर शुरू करते हैं यहाँ से। थैंक यू भाई, बैक गोल घुमाओ, चलो ओके हाँ आप घुमाओ, गोल घुमाओ, शॉट लेना है, बाय बाय कर दो, बाय बाय। चलो भाई वडोदरा की हिचाइकिंग अहमदाबाद से शुरू, यहाँ से शटल सर्विस ये सब चलती है तो ये पता नहीं 100-200 रुपये लेते होंगे शायद, पता नहीं। और 100 किलोमीटर छोड़ते हैं तो 100 किलोमीटर तो अपने लिए हवायात का खेल है, वो भी है एक्सप्रेस वे है, तो एक्सप्रेस वे है तो एक गाड़ी मिली लिफ्ट तो सीधा वडोदरा, वो लिखा है सामने अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे। दूसरी बार हिचाइकिंग इस एक्सप्रेस वे पे, ईजी होती है यहाँ पर। बोर्ड निकाल लेता हूँ मैं, और हेलमेट की तो वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पे शायद 2-व्हीलर अलाउड नहीं है, तो 4-व्हीलर से ही जाएंगे आज। स्वागत है आपका एक और नए एक्सप्रेस वे पे, अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस वे लिखा हुआ है, द्रुत गति मार्ग हिंदी में से बोलते हैं। देखते हैं यहाँ से लिफ्ट मिलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अभी गर्मी हो रही है तो मुझे एसी वाली ही चाहिए भाई अभी, और मिल जाती है इसके साथ तो सब मिल जाता है, 1 घंटे का होना चाहिए रास्ता, वैसे मिल जाएगी तो। और ये याद रखना पड़ता है हमेशा यार, जो स्टॉप होते हैं ना, जो शटल सर्विस के या पिकअप, जो सवारी पिकअप के जो पॉइंट होते हैं, वहाँ पे कभी भी खड़े नहीं होना है, वो जैसे पीछे की है तो उससे थोड़ा सा आगे जाके खड़े होना है, ताकि वही लोग रोकें जो लिफ्ट देने के लिए, वरना वो बहुत सारे आ जाएंगे जो आपको टैक्सी के लिए पैसे लेने आते हैं जो। ओके रोड पे पहुंच के यार अलग ही एनर्जी होती है यार, पता नहीं क्यों मज़ा आता है, इंडिपेंडेंस फील होता है एक अलग ही, पता नहीं क्यों। निकल जाओ, मज़ा आएगा, गारंटी है मेरी। भारत यात्रा ऐसा बोर्ड बनवा लो एक, ये बोर्ड बनवा लो, मज़ा ना आए तो अनसब्सक्राइब कर देना अभी सब्सक्राइब करो पहले शुरू करते ही मिल गई एक लिफ्ट, गुजरात की गाड़ी आके रुकी है, देखते हैं ये कहाँ जा रहे हैं, अकेले ही हैं ये तो। थैंक यू, थैंक यू, आप कहाँ जा रहे हैं? बड़ौदा। ओके लिफ्ट, ओके थैंक यू। सारे लोग ये क्या सुन रहे हैं, एफएम पे आता है क्या कोई सीरियल? 3-4 सुन लिए मैंने भी, 75 मैंने भी आज सुन लिया, 75 साल अपने जो आजादी के जो हो रहे हैं, हाँ
उसके रेफरेंस में स्वराज करके एक पूरा सीरीज शुरू किया है। ओके, एफएम पे कौन प्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट का या? ओके, एक्सप्रेस वे पे वैसे तो गाड़ी कहीं पर रोकने की जगह नहीं होती। ओके, एक दो ऐसे ही स्टॉप बने हुए होते हैं जैसे लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे या कहीं पे भी जहाँ पे वॉशरूम होता है, एक दो खाने पीने का दुकानें होती हैं, सब कुछ होता है। जो आप लोग पूछते हो कि कैसे होता है रास्ते में, सब कुछ हो जाता है भाई। निकलो तो घर से, निकलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ के पूछ रहे हो या 2 किलोमीटर पूछ, मतलब किसी भी रास्ते पे होके मिल जाएगा। बस आप ऐसे पता नहीं क्यों सोचते हो कि कुछ मिलता ही नहीं है भाई, रोड पे सब कुछ अवेलेबल होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है ट्रैवल में जो आपको चाहिए और रोड पे ना मिले, कोई भी नहीं है, सब कुछ मिलता है। फ्री में लिफ्ट मिलती है, फ्री में खाना मिलता है। अब मेरे को हाईवे पे मेरे होस्ट लेने आ गए हैं, 10 किलोमीटर आ गए हैं। हाईवे पे होस्ट मेरे को लेने आ जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। अभी छोड़ के गए थे एक होस्ट, अब दूसरे होस्ट सामने है। 100 किलोमीटर की दूरी भी तय हो गई, आज वडोदरा पहुंच गए, एसी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। क्या चाहिए लाइफ, मस्त। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, यार कितना धूप है, काला काला चश्मा ज़रूर लगाना भाई। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार, मतलब मैं मेरी लाइफ से ज़्यादा खुशनसीब किसी की होगी क्या? पैसे भी मिलते हैं यही लाइफ जीने के, और लाइफ जो मतलब चाइल्डहुड ड्रीम जिसे बोल सकते हैं, जिसका जीवन का सपना जो होता है वो भी जी रहे हैं, और उस सपने को जीने के लिए पैसे भी मिल रहे हैं। भाई ब्लेस्ड, थैंक यू। ये बर्तनों की आवाज़ आ रही है, ये इसमें सिर्फ खाना खाना है। ये गुजराती की गाड़ियों में आपको हर किसी में मिलेगा, इवन गुजराती कभी आप ट्रेन में देखोगे या प्लेन में देखोगे ना, वो खाना लेके चलते हैं इतना सारा। ये देखो, 2 टिफ़िन तो अभी हमने खाली करे हैं, ये देखो 2 टिफ़िन बॉक्स अभी हमने खाली करे हैं इसके अंदर से, और ग्रीन टी खाना वाना सब गुजराती लोगों का ये है। आप कहीं भी देखोगे ना हमेशा खाना लेके चलते हैं वो। अभी हम दिखाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे, सही है, पहुँच गए वडोदरा पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमारे दूसरे होस्ट मोइन भाई यहाँ पे आए हुए हैं, और एक दो रात रुकेंगे, उसके बाद सूरत जाएंगे, सूरत से मुंबई, मुंबई के बाद देखते हैं। इंस्टाग्राम पे आ जाओ होस्ट करने, तो 100 मीटर दिखा रहा है, यही है, यही होगा। ओके, थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा मिलके। थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय। तो ये अंकल जी ने हमको लिफ्ट दी है पूरी अहमदाबाद से लेके यहाँ पे चकली सर्कल वडोदरा में छोड़ दिया है। यहाँ पे हमारे होस्ट हैं, आसपास ही कहीं देखूँगा अभी, और चाय पिलाई इन्होंने हमें रास्ते में, और काफ़ी कुछ इन्होंने टिफ़िन में रख रखा था वो सब भी खाया, मज़ा आया खाते पीते आगे। वैसे भी मैं लंच करके ही आया था अभी अहमदाबाद में भी, बड़ी कभी कभी दिन इतना अच्छा जाता है कि इतना ईजी हो जाता है सब कुछ। वैसे 100 किलोमीटर ही था और रास्ता भी आसान ही था। चलो फ़ोन कर लेता हूँ, मैं मिलवाता हूँ अपने होस्ट। ओके, तो मोइन भाई हमको लेने आए, कितने किलोमीटर से आए हो आप लोग मुझे लेने? यहीं पास से आए, 2-3 किलोमीटर। ओके, ये यहाँ पे आ गए हैं वडोदरा में हमको लेने, और एक दो दिन रुकेंगे इनके साथ, फिर आगे चलेंगे सूरत। थैंक यू भाई, हम आपका मूड ही नहीं होने देंगे यहाँ से जाने का। Oh, we all.